हाय गाइज, रूलिंग डाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे का स्टॉल पर। ये जामताड़ा के चिल्ड्रन पार्क के बगल में है। देखिए, यहाँ छोले भटूरे गर्मा गर्म बन रहे हैं। यहाँ के छोले भटूरे की खासियत ये है कि यहाँ बिना लहसुन प्याज का छोले भटूरे बनाए जाते हैं। छोले में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया जाता है। अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है, अभी बहुत लोग लहसुन प्याज खाना बंद कर दिए हैं दीपावली छठ में। ऐसे में आप यहां आकर बिना लहसुन प्याज के छोले भटूरे का आनंद ले सकते हैं। सवेरे के 6 बजे से इनका स्टॉल खुल जाता है और भोर से ही काफ़ी भीड़ रहता है। अभी सवेरे के 9:30 बजे हैं, अभी भीड़ थोड़ा कम गया है, तो हम यहाँ शूटिंग करने चले आए हैं। इनके स्टॉल का सही लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम डाल देंगे। इनके यहाँ बहुत लोग हैं जो घर ले जाते हैं छोले भटूरे पैक करके। देखिए, इनका सहयोगी है जो छोले पैक करने में लगे हैं और भटूरे फटाफट ये निकालते जा रहे हैं, पूरे खिले हुए भटूरे। यहाँ आप चाहें तो खा भी सकते हैं। खाने के लिए ये कागज़ के प्लेट में देते हैं, काफ़ी साफ़ सफाई का ख्याल इनके द्वारा रखा जाता है। देखिए कितने सारे भटूरे को ये पैक कर रहे हैं, किन्हीं का ऑर्डर है। और ये रहा आपका गर्मा गर्म फुला हुआ भटूरे, ये फटाफट निकालते चले जा रहे हैं। इनके छोले का टेस्ट आप एक बार करेंगे तो कहेंगे क्या लाजवाब है। साथ में जलेबी भी ये बनाते हैं, जलेबी का भी आनंद लीजिए। और ये हरी मिर्च देते हैं, वो तो खास तरह से भुना हुआ हरी मिर्च रहता है जिसका एक अलग ही टेस्ट है। और छोले देखिए, इसका ग्रेवी कितना अच्छा है, गाढ़ा ग्रेवी है। बिना लहसुन प्याज का भी ग्रेवी इनका फर्स्ट क्लास है। हम अब टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा लगा। टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये साथ में मिर्चा दिए हैं, मिर्चा काफ़ी तीखा है और नमक और तेल में भुना हुआ मिर्च है। और साथ में ये जलेबी दिए हैं, जलेबी भी काफ़ी बेहतर है। इसमें चावल का आटे का प्रयोग किया गया है जिससे कि ये करारे हैं जलेबी। इसी तरह के स्ट्रीट फूड के आप शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे और आपके जानने चाहने वाले को भी अपडेट मिलता रहे।